नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 16 जुलाई से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों को देखेंगे। इन प्रमुख घटनाओं में प्रमुख है गूगल द्वारा भारत में निवेश, यूनिसेफ की सहयोग, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड, विश्व युवा कौशल दिवस, डेमो डेज इनिशिएटिव और अंत में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के रूप में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप आज के वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के प्रमुख घटना क्रम। तो गूगल का भारत में निवेश प्रथम खबर है। प्रमुख बिंदु क्या है? कुल निवेश कितना करेगा गूगल? तो वह 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होगा। वह 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाला है गूगल भारत में। कब तक? तो वह 5 से 7 वर्षों के भीतर गूगल यहां पे निवेश करेगा। इसकी घोषणा किसने की है? तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है गूगल के सीईओ कौन है? तो वह है सुंदर पिचाई। किस कहां पे घोषणा की गई है? तो गूगल फॉर इंडिया वर्चुअल लाइव स्ट्रीम इवेंट में इसकी घोषणा की गई है। इस फंड का नाम क्या होगा? तो इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि गूगल ने के द्वारा भारत में निवेश किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो उसका उत्तर होगा इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए। आप जानते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यहाँ पे इस शब्द को अगर हम उच्चारित करें तो डीबीटी मतलब हो जाएगा डिजिटलाइजेशन फॉर डॉक्टर्स, बी फॉर डिजिटलाइजेशन फॉर बैंकर्स और टी फॉर टीचर, डिजिटलाइजेशन फॉर टीचर्स। यदि हम इन तीनों को डिजिटलाइज कर दें तो हम भारत के प्रत्येक कोने में पहुँच सकते हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था तीनों कतार में अंतिम खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गूगल कंपनी के बारे में कि आखिर गूगल कंपनी कहां से है और क्या है। तो यह अमेरिकी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक कौन थे इसके? यह प्रश्न पूछा जाता है बराबर गूगल के संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसके संस्थापक थे। गूगल के प्रमुख उत्पाद क्या है? तो यूट्यूब, गूगल सर्च इंजन, गूगल असिस्टेंस, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट, गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, ब्लॉगर, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, जीमेल, इवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है गूगल के उत्पादों के संदर्भ में। अगला घटना देखते हैं, यूनिसेफ और फिक्की के सहयोग से संबंधित यह सूचना है या खबर है। तो यूनिसेफ ने भारत में सबसे कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने हेतु एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें वह फिक्की के साथ साझेदारी करेगा। तो यूनिसेफ और फिक्की दोनों मिलकर भारत में सबसे कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने हेतु एक अभियान आयोजित करेंगे या चलाएंगे। अब यहाँ दोनों के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यूनिसेफ क्या है और फिक्की क्या है। पहले देखते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह आपसे पूछा जा सकता है कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। किसने की थी? तो घनश्याम दास बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय उद्योग की कुशलता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना। इसके पश्चात देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या बाल अधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो तोरे हेट्रियम। आपसे पूछा जा सकता है यह प्रश्न कि यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तोरे हेट्रियम, या यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में।
इसका कार्य क्या है? तो विश्व भर में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना। अगला घटना है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 का बॉन कर्मन पुरस्कार। इसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर कैलाश दीबू सिवन या डॉक्टर के सिवन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इस किस संस्था के द्वारा यह दिया जाता है? तो यह इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मार्च 2021 में पेरिस में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। किसे? तो डॉक्टर के सिवन को प्रदान किया जाएगा। यहाँ एक नोट है कि एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मर के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, तथा के सिवन, के कस्तूरी रंगन और यू आर राव के पश्चात यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। अगले घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं तो विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई। थीम क्या थी इस बार की 2020 की? तो स्किल फॉर ए रिजिलिएंट यूथ। इसके पश्चात है इसके मुख्य बिंदु किसके द्वारा आयोजित किया गया है, ये घोषणा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, यूनेस्को और आईएलओ के द्वारा। मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करना, ताकि वो अपने जीवन को जी सकें। इसके पश्चात है डेमोडेस इनिशिएटिव। इसका संचालन नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? उन स्टार्टअप की पहचान करना जो कोविड-19 नवाचारों से संबंधित विकास करने की क्षमता रखते हों। साझेदारी किसकी थी डेमोडेज इनिशिएटिव को आयोजन करने में? तो जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और स्टार्टअप इंडिया जैसे सरकारी निकायों के साथ साझेदारी थी। इस पहल के बारे में जानते हैं कि आखिर डेमोडेज इनिशिएटिव क्यों प्रारंभ किया गया था? तो इसके तहत पीपीई किट, चिकित्सा उपकरण, प्रौद्योगिकी समाधानों पर 9 डेमोडेज का आयोजन किया गया था। इसमें 70 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो कोविड-19 नवाचारों से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास करने की क्षमता रखते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स वन लाइनर 16 जुलाई से संबंधित, ये 16 जुलाई तक घटित घटनाओं को एक लाइन के रूप में। राजस्थान, जहां हम लोग देख रहे हैं कि दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के मध्य सत्ता संघर्ष बना हुआ है, लेकिन केंद्र बिंदु में कौन है? तो सचिन पायलट, जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। इन्हें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बर्खास्त किया जा चुका है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 6 में 249.4 मिलियन से घटकर 2017-19 में 189.2 मिलियन हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी कुपोषण से संबंधित, इससे संबंधित ये खबर है। सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में SC/ST के समान लाभ के लिए दिव्यांगजन भी योग्य हैं, यह किसने कहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय में, यानी दिव्यांगों को भी सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण देने का बात कहा गया है। इसके पश्चात है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञता दिशा निर्देशों की घोषणा की है। उसमें क्या कहा गया है कि आप स्क्रीन टाइम को कम करने की सिफारिश की गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोविड-19 के पश्चात शिक्षा क्षेत्र भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा और लॉकडाउन में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए और विभिन्न स्कूलों ने ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा को प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी छात्रों पर दिखाई दिए, जिसके कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञता दिशा निर्देश छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून 2020 में -1.81% तक कम हो गई। इसके पश्चात है
कि हरियाणा में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। अगला है कि BSE ने स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ एक समझौता किया है। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि BSE ने स्टार्टअप्स के साथ लिस्टिंग संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ के समझौता किया गया है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, तो टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम टाइकलेट को यह संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। इसके पश्चात है अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग द्वारा GST लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो इसका दर क्या होगा। पहला है कि यह 18% की दर से GST इस पर आरोपित किया जाएगा। यह प्रस्ताव जो है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग गोवा बेंच के द्वारा लाया गया है। इसके पश्चात है कि ब्रिटेन ने 5G नेटवर्क से चीन के हुआवे पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी कोविड महामारी के पश्चात सबसे बड़ा झटका प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवे को लग रहा है, जो चीन की एक कंपनी है जिसके द्वारा विभिन्न यूरोपियन देशों तथा अमेरिका ने इसे 5G नेटवर्क या 5G ट्रायल से बाहर रखने का फैसला किया है। अब यहाँ ब्रिटेन ने 2027 तक हुआवे के सभी किटों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके पश्चात है कि 17 जुलाई 2020 को PM मोदी संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है जिसके द्वारा किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी गई है। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। यहाँ आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गोधन न्याय योजना किस सरकार ने या किस प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ की है, तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। अगला घटना है कि जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशमन सुविधाएं लगाने हेतु 107 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रश्न होगा कि जहाज रानी मंत्रालय ने अग्निशमन सुविधाओं के विस्तार हेतु किस बंदरगाह पर अग्निशमन सेवाएं लगाने की पेशकश की है, तो उसका सही उत्तर होगा कोलकाता बंदरगाह के हल्दिया गोदी परिसर में ही यह लगाया जाएगा। आगे है कि गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, 30,000 करोड़ रुपए। अभी आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जियो प्लेटफॉर्म्स में विश्व की प्रमुख कंपनियां निवेश कर रही हैं। इसके पश्चात है किस राज्य ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, तो उसका उत्तर होगा बिहार। बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कारण क्या है, तो कोविड-19 की बढ़ती संख्या। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनिता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है। कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में किसे नामित किया गया है, तो डॉक्टर अनिता भटनागर। या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अनिता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है, तो वह 3 वर्ष होगा। BCCI के अंतरिम CEO किसे बनाया गया है, तो हेमंग अमीन को। इस प्रकार आज हम लोगों ने 16 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का अवलोकन किया। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। यदि आप इस वीडियो में दिए गए करंट अफेयर्स के PDF रूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां यह
PDF रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।